देखिए, जब पावर को शेयर किया जाता है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी एक के पास पावर नहीं होगी, मतलब सेंट्रलाइज नहीं होगी, उसे डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। ऐसे ही कुछ हमें फेडरलिज्म में भी देखने को मिलता है। अब बेसिकली इस लेसन को आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझोगे कि किस तरीके से इंडिया ने फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया और हमारे यहाँ पर ये जो फेडरलिज्म है वो किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, सारी जानकारी आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखा जाए तो कंटेंट बड़ा ही इजी सा है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादातर एमसीक्यू मोड में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उनके एग्जांपल मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। कंटेंट के अंदर हमें फेडरलिज्म के फीचर्स को जानना जरूरी है। इसके अलावा वो क्या चीजें है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है, काइंड ऑफ फेडरेशन किस किस टाइप की होती है, और हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की जाती है, और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें क्या-क्या याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेसन में जब हम पावर शेयरिंग को कवर कर रहे थे वन शॉट वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर दो कंट्री के एग्जांपल लिए थे। एक कंट्री श्रीलंका की थी, दूसरी कंट्री बेल्जियम की थी। तो पावर शेयरिंग का जो कांसेप्ट था वो हमें बेल्जियम कंट्री के अंदर देखने को मिला था, ना कि श्रीलंका के अंदर, क्योंकि वहां पे तो मेजोरिटीज़म के कांसेप्ट को फॉलो किया गया था। लेकिन एकोमोडेशन के बेसिस पे फोर टाइम के उन्होंने अमेंडमेंट किए थे बेल्जियम ने, जिसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पावर को स्टेट्स के साथ शेयर करने की बात करी थी, डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी, फिर चाहे वो ब्रुसेल्स कैपिटल हो वहां की, फिर चाहे वो सेंट्रल लेवल पे बात हो। तो ये एक अच्छी चीज थी उसके अंदर, और यही सारा सिनेरियो आप फेडरल स्ट्रक्चर में भी देखने को आपको मिलेगा। तो आखिरकार ये फेडरलिज्म होता क्या है, अब तक तो आपको पता चल चुका होगा, अब एक बार थ्योरेटिकल पार्ट्स में भी आप समझ लीजिएगा। फेडरलिज्म एक सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है। इसके अंदर बेसिकली पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट of country, यानी कि जिसे हम states के नाम से जानते हैं। Both the state and central government enjoy power independent of each other, यानी कि central की अलग power है तो वो अपनी एक अलग independent enjoy करेगी, और state की अपनी एक अलग power तो वो अपनी एक अलग independent enjoy करेगी। Originally the constitution of India provided a two-tier government, the union government and the state government। तो जो हमारा देश 1947 में independent हुआ था, तो हमने two-tier की government को adopt किया था, जिसके अंदर ज्यादा power हमने central को दी थी और कुछ पावर स्टेट को दी थी। तब तक हमारे देश के अंदर थ्री टीयर की गवर्नमेंट नहीं थी, जो कि आगे चल के बनी थी। अभी फिलहाल आपको टू टीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाना चाहिए। अ थर्ड टीयर वाज एडेड इन द इंडियन फेडरेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी 1990 के आसपास। ऑलमोस्ट 40 ईयर के बाद हमारे देश के अंदर थ्री टीयर की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसे हमने पंचायत और म्युनिसिपल, यानी कि लोकल टाइप की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके बेसिस पे जाना। अब ये एक चार्ट देखिएगा, इसके अंदर पूरे वर्ल्ड का मैप दिया गया है। जो रेड कलर का है ना, उससे आपको पता चल रहा है कि कितनी सारी कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। सिर्फ इंडिया नहीं है, ऐसे वर्ल्ड के अंदर बहुत सी कंट्री है जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। और ये भी मान लीजिएगा कि ज्यादातर वही कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ज्यादातर हमें यही मिलता है कि पावर सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि एक से ज्यादा ग्रुप में वो डिवाइडेड होती है, जैसा इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पावर की डिवाइडेशन की, तो स्टेट और सेंट्रल में कैसे होती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर डे टू डे अफेयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। अगर यूपी के अंदर कोई कानून बनता है तो वो यूपी के लोगों को मानना पड़ेगा, दिल्ली में कोई कानून बनता है तो वो दिल्ली के लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन जब बात एंटायर कंट्री की होगी, तो फिर चाहे वो हरियाणा को हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो, सबको मानना पड़ता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ फॉर एंटायर कंट्री एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। फीचर्स की अगर बात करें, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फीचर्स क्या क्या है फेडरलिज्म के, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हमारे यहाँ पे स्टेट, सेंट्रल और लोकल भी आप कह लीजिएगा। डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जो भी लेवल की गवर्नमेंट हो वो रूल जो करते हैं वो सेम सिटीजन पर ही करती है। बट ईच गवर्नमेंट हैव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, लेकिन दोनों की पावर एक दूसरे से अलग होती है। The fundamental provision of the constitution cannot be changed by the one level of government. तो fundamental के अंदर कोई भी जो changes होता है वो एक level की government के through नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका एक procedure को follow करना पड़ता है। The judiciary prevent conflict between the center and regional government in the exercise of their power. अगर कभी central और state के अंदर conflict हो जाता है, तो ऐसे में जो
फाइनल वर्डिक्ट होती है, जो फाइनल डिसीजन होता है वो जुडिशियरी का होता है, वो अपने तरीके से उसका हल निकालते हैं। सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो स्टेट को अपनी तरीके से टैक्स लगाने का और सेंट्रल को अपने तरीके से टैक्स लगाने का पूरा इंडिपेंडेंस मिली हुई है। आप कभी भी रेस्टोरेंट में जाइएगा, कहीं पर भी जाइएगा, जब आपको बिल मिलता है प्रिंटेड वाला, तो उसमें दो चीजें मेंशन होता है, एक होता है SGST और एक होता है CGST। S जो स्टैंड करता है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए करता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जो कि CGST होता है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो आप ये जरूर नोटिस कीजिएगा। द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। तो इनका एक ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होता है फेडरल स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर वो प्रमोट करेगी यूनिटी को कंट्री के अंदर और साथ ही साथ एकोमोडेट भी करने की कोशिश करेगी जो रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये सारे फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, आप इन्हें अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें हमें टू काइंड्स ऑफ फेडरेशन के बारे में जानने को मिलेगा। एक होती है कमिंग टुगेदर और एक होती है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब है कि जब सारे एक साथ मिल जाते हैं, ये कुछ ऐसी कंट्री है जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका हो गई, ऐसी कुछ कंट्री के अंदर हमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलती है, यानी कि जो पावर होती है वो एक यूनाइट होने का काम करती है। लेकिन एक दूसरी साइड भी होती है, वो होती है होल्डिंग टुगेदर। इसके अंदर जो पावर होती है वो होल्ड की जाती है, जैसे इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, यानी कि सेंट्रल लेवल की अलग पावर है और स्टेट लेवल की अलग पावर है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी है। तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को हम इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ये समझिएगा कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि पीक लेवल की है। आप लैंग्वेज को देखिएगा, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज हमारे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है इंक्लूडिंग हिंदी। इसके अलावा रिलीजन की बात करें तो हमारा इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो यहां पे बेशक मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो हिंदू रिलीजन से है, लेकिन यहां पे माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म सभी है। तो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी, कास्ट आपको सभी रिलीजन में ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी, और उन कास्ट के अंदर भी सब कास्ट मेंशन है, कस्टम रिचुअल सबके अलग अलग है, रीजन सबके अलग अलग है। तो इतनी ज्यादा हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि वो क्या चीज है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, उन चीजों के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो अच्छे तरीके से पावर को मैनेज करना भी हमारे लिए जरूरी है। तो इस टॉपिक में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या बात की गई है, इंडिया इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। तो इंडिया को जो आजादी थी वो कोई खुशी खुशी नहीं मिली थी, बल्कि एक पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बेसिस पे मिली थी, जिसमें इंडिया का पार्टीशन तो हुआ था पाकिस्तान के साथ और बहुत से जनों की जाने भी गई थी। सून आफ्टर जल्दी ही क्या हुआ, इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम द पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, 665 के आसपास थे, जिसमें हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की रोल प्ले किया था, और उन सभी प्रिंसली स्टेट को इंडिया के अंदर मर्ज करवाने का भी उन्होंने अच्छा ट्राई किया था, और जिसमें ऑलमोस्ट सभी प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट भी बन गए थे। कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके उनको भी इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद हो, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, ऐसी चीजें, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दीज आर यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो पावर को लेकर एक तरीके से ये क्लियरली मेंशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हम पावर को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ अलग देंगे, स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ अलग देंगे, और ये कॉन्करेंट क्या होती है उसको हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले बात की गई थी यूनियन लिस्ट की, यानी कि वो लिस्ट जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राइट्स होगा। इसके कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिए गए थे एग्जांपल के तौर पे, जैसे डिफेंस जो होगा, देश का डिफेंस, देश की सुरक्षा, वो सिर्फ सेंट्रल के हाथ में होगी। बैंकिंग सिस्टम जितना भी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होगा। करेंसी को प्रिंट करना हो, उसे एक तरीके से सर्कुलर करना, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, ये सारा यूनियन लिस्ट में रखा गया था, ठीक है। इसे सेंट्रल लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, यूनियन लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज्ड मत होना। दूसरा था स्टेट लिस्ट, यानी कि स्टेट्स को पावर दी गई थी कि आप इनके ऊपर अपना राइट्स कर सकते हो, इनके ऊपर अपने लॉ बना सकते हो। जैसे पुलिस जो है वो स्टेट के अंडर में रहेगी, ट्रेड हो गया, इसके अलावा इरिगेशन हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये इनके अंडर में रहेगा। तो एक दूसरे की जो पावर है वो अपने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज भी थी जो कि थी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, यानी कि इसके ऊपर स्टेट और सेंट्रल, यानी कि यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे एजुकेशन हो गया, आप देखते हो ना कि सेंट्रल बोर्ड तो है ही CBSE, लेकिन और भी स्टेट बोर्ड है, चाहे यूपी का हो, हरियाणा का हो, तो इसका मतलब
मतलब है कि स्टेट को भी पावर है उसके ऊपर काम करने की और सेंट्रल को भी, तो दोनों मिलजुल के काम कर सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट कॉन्करेंट की लिस्ट में रखे गए थे। इसके अलावा मैरिज से रिलेटेड एक्ट बनाना हो या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी हो, एडेप्टेशन की बात हो, तो ये सारी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के जो मेंबर्स है उन्हें ये पता था कि कुछ ऐसी चीजें भी आएगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो तब रहेगी नहीं, वो तो डिसॉल्व हो जाएगी, तो कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट आएंगे उसे हम किस लिस्ट में रखेंगे। तो इन सब्जेक्ट को कहा गया था रेसिडरी सब्जेक्ट। जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे देश के अंदर इंटरनेट तो था नहीं, तो ये तो फ्यूचर में आया यानी 1980 के बाद आया। तो ऐसे में इन सब्जेक्टों को यूनियन लिस्ट में रखने की ही बात की गई थी। जैसे इंटरनेट हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, हार्डवेयर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, तो जो भी आज के समय कोई नई चीज डेवलप होगी तो उसे रेसिडरी सब्जेक्ट कहा जाएगा और इसके ऊपर जो लॉ बनाने का राइट्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, होप सो कि आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर शेयरिंग को लेकर कि अब सवाल आता है कि हमारे देश के अंदर पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया, उसे समझिएगा। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है ऐसा। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट खुद इस चीज को चेंज नहीं कर सकती। अगर वो कोई चेंज करना भी चाहती है तो इट हैज टू बी अ फर्स्ट पास बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। अगर वो कोई चेंजेस करना चाहती है तो उसको सबसे पहले जो हमारे दोनों हाउसेस है लोकसभा राज्यसभा उसमें पास करवाना पड़ेगा बिल, वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, जो कि इंपॉसिबल सा लगता है। देन इट हैज टू बी रिवाइज्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, और उसके बाद उसे जितने जैसे टोटल स्टेट है ना 28, तो उसके हाफ स्टेट से एग्रीमेंट भी लेना पड़ेगा, तब जाके वो कोई चेंजेस कर सकती है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो इतना भी आसान नहीं है कि मन चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून को चेंज कर सकती है अपनी मन मर्जी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। इसके अलावा इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। अगर पावर को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है स्टेट और सेंट्रल के अंदर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन ले सकती है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज लेइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पांसिबिलिटी असाइन टू द ईच ऑफ देम। तो देखो टैक्स लगाने का पूरा राइट्स होता है स्टेट्स के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो अपने बेसिस पर लगा सकते हैं जिससे वो अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट करके वेलफेयर स्कीम हो गया, प्रोग्राम हो गया, पॉलिसीज हो गया, उसमें वो यूज कर सकती है। तो हर एक स्टेट्स के ऊपर ये पूरा राइट्स दिया गया है। आगे हम बात करते हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस रियल में किया जाता है, तो उसे हम थोड़ा पास्ट की हिस्ट्री से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किया जाता था। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। नाम से पता चल रहा है भाषा के आधार पर बने राज्य। तो देखिए द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, क्योंकि स्टार्टिंग में कह दिया गया था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे, और ऐसा हुआ भी था क्योंकि पोटीश्री रामलु जो कि एक ग्रेटेस्ट लीडर थे और वो लाइफ टाइम तक के लिए स्ट्राइक पे बैठे थे एक नए स्टेट की डिमांड को लेकर, वो जो स्टेट था उसका नाम है आंध्र प्रदेश। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी, बट 1952 के एंड में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नई अनाउंसमेंट करी थी कि वो एक नया स्टेट बनाएंगे जो लिंग्विस्टिक बेस पर होगा, भाषा के आधार पर बनेगा, तो वो आंध्र प्रदेश ही था। बाउंड्रीज ऑफ मेनी प्रीवियस स्टेट वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, ये भी बड़ा एक चैलेंज था अपने आप में। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज रेज सम नेशनल लीडर फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। जब ये डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चलेगी लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बनाने की, तो बहुत सारे लीडर डर से गए थे कहीं इससे हमारे देश का और ज्यादा टुकड़े यानी कि डिसइंटीग्रेशन तो नहीं हो जाएगा कि भाई ये अपने लैंग्वेज के बेसिस पे अपना स्टेट बना रहा है, ये अपना बना रहा है, तो यार ये तो यूनाइट कभी रहेगा ही नहीं। बट इनका जो शक था ना वो कुछ अलग ही निकला, मतलब ये जो नेगेटिविटी सोच रहे थे ना इसका रिजल्ट पॉजिटिविटी में हमें ज्यादा देखने को मिला। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर द सम टाइम बट द एक्सपीरियंस हैज शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। तो इसीलिए इस डर की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजिस्ट कर दिया था लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाना, लेकिन रिजल्ट कुछ ऐसा निकला, मतलब एक्सपीरियंस ऐसा शो किया गया कि लिंग्विस्टिक स्टेट की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो और अच्छे तरीके से वर्क करने लग गया और कंट्री और ज्यादा यूनाइट होती चलेगी। सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज
बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन द कल्चरल एथनिसिटी और ज्योग्राफी। यानी ऐसा नहीं था कि हमारे देश के अंदर जो भी स्टेट्स बने वो सब भाषा के आधार पर बने, कुछ ऐसे स्टेट भी बने थे जो अपने कल्चर एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पर भी बने थे। मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, जैसे कि ईयर 2000 के अंदर 3 स्टेट बने थे, यानी कि मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ था छत्तीसगढ़, बिहार से सेपरेट हुआ था झारखंड और उत्तर प्रदेश से सेपरेट हुआ था उत्तराखंड। तो ये जो स्टेट्स थे वो लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं बने थे बल्कि अपने कल्चर अपनी एथनिसिटी को लेकर बने थे। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो सभी चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है। तो पहला तो स्टेट्स को लेकर ऑटोनॉमी दे दी गई, दूसरा हमने लैंग्वेज की पॉलिसी को लेकर। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है जो ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। इसके अंदर हिंदी भी इंक्लूड है, याद रखिएगा। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या बात की गई थी, अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरा टेस्ट था हमारा, क्या हुआ था इसमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। जी हाँ, हमारे देश के अंदर कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, हमारे देश की कोई राजभाषा है ही नहीं। अगर आपको लगता है हिंदी है तो देखो क्या बताया गया, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सिर्फ एक आधिकारिक भाषा है, मतलब कि एक ऑफिशियल है राजभाषा, बट हिंदी इज द मदर टंग ओनली ऑफ अबाउट 40% ऑफ इंडियन, देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। तो हिंदी उस समय सिर्फ 40% लोगों के बीच में बोली जाती थी हिंदी हार्टलैंड के अंदर, जिसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सभी स्टेट आते, तो इन्हें हिंदी हार्टलैंड के नाम से जाना जाता। लेकिन इंडिया के अंदर से यही स्टेट थोड़ी है, साउथ इंडिया के भी स्टेट है, नॉर्थ के भी है, नॉर्थ ईस्ट के भी है, साउथ ईस्ट के भी है, तो इनके यहां पर भी इनका भी ख्याल रखना जरूरी था। सो दैट इज द रीजन कि इंडिया ने अपनी कोई भी नेशनल लैंग्वेज कंसिडर नहीं की, नहीं ऑफिशियली उन्होंने बनाई। बिसाइड हिंदी देर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज अ स्केड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हिंदी को मिलाकर टोटल 22 लैंग्वेज है। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन मे ऑप्ट टू द टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीस लैंग्वेज। तो 22 भाषा को मतलब है कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो एग्जाम देता है तो इनमें से वो किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, यहां तक कि हमारे स्टेट्स को ऑफिशियल लैंग्वेज का भी स्टेटस दिया गया कि वो अपनी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज पता है आपको, इंग्लिश है। केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है। तेलंगाना की तेलुगु है। उत्तर प्रदेश की हिंदी है। पंजाब की पंजाबी है। हरियाणा की हरियाणी है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वहां पे गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है तो पहले उस ऑफिशियल लैंग्वेज में निकलता है जिसको उन्होंने ऑफिशियल का स्टेटस दिया हुआ है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो इसलिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ द इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज स्टॉप इन 1965 बट मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड द यूज ऑफ इंग्लिश कॉन्टिन्यू। तो देखो हमारा देश तो अंग्रेजों से आजाद हो गया तो और हमने ये पूरा प्लान बना लिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, साल 1965 तक हम इंग्लिश का यूज जो है वो बंद कर देंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स की तरफ से डिमांड आने लगी कि वो इंग्लिश को कॉन्टिन्यू रखना चाहते, स्पेशली फॉर साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया पूरा लिंग्विस्टिक बेस पे बना था और वहां पे हिंदी बहुत कम बोली जाती है, उनकी खुद की जो रीजनल लैंग्वेज है वो ही बोली जाती है और एक वो ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश का यूज करना चाहते थे। तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट डैम, और तमिलनाडु में तो ये इतना ज्यादा वायलेंट हो गया था, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाय द एग्री टू कंटिन्यू टू यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से इंग्लिश को बंद नहीं किया, उसे चलाने की बात करी हिंदी के साथ ही। मेनी क्रिटिक्स थिंक दैट द सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। तो लोगों को लगा था कि यार ये डोमिनेंट है कि इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट को ज्यादा फेवर कर रहा है, बट ऐसा नहीं था, हमें अपनी यूनिटी को बनाए रखना था, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया। तो हिंदी को आगे बढ़ाना गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है। कुछ स्टेट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिया, मध्य प्रदेश की मैं बात बताया तो हिंदी मीडियम के अंदर उन्होंने मेडिकल की स्टडी भी स्टार्ट करवा दी। प्रमोशन डज नॉट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। और प्रमोशन का मतलब ये भी नहीं था कि हिंदी को आगे बढ़ाने का, कि जबरदस्ती किसी दूसरे स्टेट के ऊपर जहां पे हिंदी डोमिनेंट नहीं है उनके ऊपर जबरदस्ती हिंदी थोपना, बस यही था कि द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। भाई हम उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते थे जिस सिचुएशन में श्रीलंका गई थी, क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी ना लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था दोनों ही कम्युनिटी में, सिन्हाला वर्सेस तमिल। सिन्हाला बोले हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे, तमिल बोले हम हमारे ही बनाओ, तो बोले हम नहीं बना रहे, तो दोनों के बीच में फिर सिविल वॉर हुआ था। तो इंडिया नहीं चाहता था कि ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ पर भी रहे, इसलिए उन्होंने सभी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने की बात करी है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेडरलिज्म से रिलेटेड, तीसरा था सेंटर और स्टेट के रिलेशन को लेकर। अब देखिए फेडरलिज्म में पावर डिसेंट्रलाइज की जाती है सेंटर और स्टेट के अंदर, अब इनके बीच में रिलेशन कैसे कंबाइन किए जा सके ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर द पावर शेयरिंग वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू द लार्ज एक्सटेंट और हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर फॉलो दिस एग्रीमेंट। कहने का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट किस तरीके से पावर शेयर में वर्क करेंगे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो लीडर होती है, उनका अरेंजमेंट किस टाइप का है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट। ज्यादातर क्या हुआ कि हमारे पास्ट के अंदर जो सेंटर पार्टी थी उन्होंने बहुत ज्यादा रूल किया, सेंटर के अंदर तो किया और उसके साथ साथ उन्होंने स्टेट्स के अंदर भी किया। मैं बात करूं कांग्रेस की, दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि स्टेट्स के पास इतने ज्यादा राइट्स है ही नहीं, जो रूलिंग पार्टी सेंटर में होती थी वही स्टेट के अंदर होती थी, तो एक तरीके से सेंटर की तरफ से जो ऑर्डर आते थे उन्हें मानना ही पड़ता था। एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एंड द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट द पार्टी द रूल द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। जो पार्टी सेंटर में होती थी उसके पास पावर ज्यादा होती थी तो वो स्टेट को इतने ज्यादा काम नहीं करने देती थी, यानी कि स्टेट की जो ऑटोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं काफी कम मानी जाती थी पहले के टाइम पे। इन दोस डे उस समय द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टी। अगर किसी स्टेट के अंदर किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट होती थी जो सेंट्रल में नहीं है तो उसे डिसमिस करने के लिए वो पूरा जोर लगा भी देती थी। द अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म ऑल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। अब ये जो प्रथा थी एक तरीके से 1989 के इलेक्शन के बाद से खत्म होगी, क्योंकि उस समय एक नया एरा शुरू हुआ था कोलिशन गवर्नमेंट का जिसके अंदर स्टेट को एक अलग ही पावर मिली थी, क्योंकि कोई भी पार्टी मेजोरिटी के साथ नहीं जीत पा रही थी तो इसलिए सभी पार्टियों को साथ लेके बनाना था कोलिशन गवर्नमेंट। सो दैट इज द रीजन कि रीजनल पार्टी को एक अच्छा खासा इसके अंदर बूस्टअप मिला। दिस पीरियड सो द राइज ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, और आज के समय आप देख लीजिएगा एक नया अलायंस बना जिसे INDIA इंडिया के नाम से जाना जाता है, और जो पहले UPA था ये रीचेंज हो गया, और अभी के समय बीजेपी का फिर भी NDA है। तो यानी कि सभी पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता कि ये जो एरा है वो कोलिशन गवर्नमेंट का है। अगर भाई कोई अपने दम पे सरकार नहीं बना पाया तो वो दूसरों से सहारा तो ले सकता है, तो सहारा लेने के लिए उसे अपनी पार्टी में तो जोड़ना पड़ेगा, और पार्टी में जोड़ने का मतलब है कि एक अलायंस बनाने की शुरुआत करनी ही पड़ेगी जो ऑलरेडी चल रहा है आज की पॉलिटिक्स के अंदर। सिंस नो सिंगल पार्टी गेट क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा द मेजर नेशनल पार्टी हैड एंटर इनटू अलायंस विद द मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग द सेवरल रीजनल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। आपको शायद पता ना 1990 से लेकर 1999 तक 6 टाइप की गवर्नमेंट बदलते हमने देखा है, क्योंकि उस समय कोई भी पार्टी 5 ईयर तक का टाइम पीरियड कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। 1991 में एक कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है जो 1996 तक चलती है, ठीक है। उसके बाद 6 से लेकर 2000 तक 4 गवर्नमेंट बन जाती है, जो कोई 18 दिन के लिए चल लिया, कोई 3 महीने के लिए चल लिया, कोई 1 साल के लिए चल लिया, क्योंकि ये दौर जो था वो कोलिशन गवर्नमेंट का था। दिस लेट अ न्यू कल्चर ऑफ द पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब इससे एक नई चीज शुरुआत हुई पावर शेयरिंग को लेकर, क्योंकि अब स्टेट की जो ऑटोनॉमी थी उसको भी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता था। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन रैंडम मैनर। इसी चलते जुडिशियरी ने एक बेस्ट डिसीजन भी लिया, मेजर डिसीजन, कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को किसी भी तरीके से डिसमिस नहीं कर सकती, उसकी अपनी एक अलग पावर है। दो फेडरल पावर शेयरिंग इज अ मोर अफेक्टिव टूडे देन इट वॉज द अर्लियर ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग टू फोर। तो आज के समय में आप कह सकते हो कि जो स्टेट की पावर है वो पहले के कंपेरिजन में कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, क्योंकि ये जो एरा वो कोलिशन गवर्नमेंट का है जिसके अंदर रीजनल पार्टी की वजह से स्टेट को अपनी और ज्यादा ऑटोनॉमी फील करने का भी मौका मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि सत्ता का बंटवारा हमारे देश के अंदर कैसे हुआ पड़ा है। देखिए रीजन की अगर बात करें, देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इट इज अटमोस्ट एसेंशियल टू ब्रिंग गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल एज अ लोकल पीपल आर बेटर इन्फॉर्म विद द लोकल प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि देखो अगर यार हमारे यहाँ की बिजली कट होगी तो अब ऐसा थोड़ी कि हम मोदी जी को जाके बोलेंगे या केजरीवाल को जाके बोलेंगे, भैया लोकल लेवल के इश्यू है तो वो लोकल लेवल पे ही खत्म हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सो दैट इज द रीजन लोगों को और ज्यादा कनेक्ट करने के लिए, पॉलिटिक्स में उनको और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के लिए हमने एक लोकल लेवल की गवर्नमेंट बना दी जो लोकल लेवल से ही रिलेटेड इशू को ऑन द स्पॉट क्लियर कर सके। इट इज ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग इन एफिशियंसी इन द सिस्टम एज द लोकल
local people are more familiar with the area and can help in better utilization of the resources. क्योंकि भैया आम लोग जो अपने area से अच्छे वाकिफ होते हैं और उन्हें पता होता है कि कौन कौन सी problem है, किन किन का utilization कितने अच्छे तरीके से हो सकता है. It help in involving local people in decision making which help in the planning development as per the local needs. तो इसी वजह से ये help करता है उन लोगों को decision making के अंदर भी, ताकि वो एक planning development के basis पे जो लोगों की local needs है उनको fulfill किया जा सके. Local government can also solve the problem easily and immediately at minimal expense. कम खर्चे में local type की जो government है ऐसी समस्याओं का भी जल्द से जल्द निदान कर सकती है. It helps in bringing governments at the grassroots level, hence ensure healthy, strong and stable democratic system. और इससे ये proof होता है कि जो local level की जो government है वो grassroots level पे अच्छा work कर सकती है, और इससे सिद्ध होता है कि हमारी democratic जो system है वो ज़्यादा strong, stable and healthy हो सकती है. सो दैट इज द रीजन हमने डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो 2 tier से लेकर 3 tier में कन्वर्ट किया. अब पहले के समय क्या होता था, बिफोर 1992 द लोकल बॉडी वर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल लेवल थी नहीं, वो किसके अंडर में काम करती थी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. रेगुलर इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं करवाए जाते थे. द लोकल बॉडी डिड नॉट हैव एनी रिसोर्सेज और पावर ऑफ देयर ओन, क्योंकि उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, कोई भी रिसोर्सेज नहीं था. स्टेट चाहेगी तो उनके साथ शेयर कर देगी, स्टेट नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी, लेकिन कोई इसमें अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी. बट ये चेंजेस हमें देखने को मिला आफ्टर 1992. हुआ क्या, 73-74 अमेंडमेंट हुआ जिसके अंदर रूरल और अर्बन सेक्टर से रिलेटेड एक नई लेवल की गवर्नमेंट, लोकल लेवल की गवर्नमेंट को बनाया गया था. अब इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, मैंडेटरी कर दिया गया रेगुलर इलेक्शन को लोकल बॉडी जिसे हम कहते हैं, स्टेट के अंदर रिजर्वेशन ला दिया गया एससी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और एटलीस्ट 1/3 सीट जो थी ऑल पोजिशन में रिजर्व कर दी गई वुमेन्स के लिए. इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन भी एस्टैब्लिश कर दिया जो कि स्टेट से रिलेटेड था, स्टेट इलेक्शन कमीशन. यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट को भी एक तरीके से ये ऑर्डर दिया गया कि वो अपना जो रिवेन्यू वो शेयर करेगी लोकल बॉडी के साथ, जो पहले सिर्फ उनकी मनमर्जी होती थी अब कंपलसरी उन्हें करना ही पड़ता. तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले. अब आगे बात करते हैं इन्हीं गवर्नमेंट के बारे में, रूरल और अर्बन गवर्नमेंट होती क्या है. देखिए रूरल की जब भी बात आती है तो इसके अंदर हम 3 tier की गवर्नमेंट को समझते हैं. सबसे पहले इसमें ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद. तो ग्राम पंचायत के अंदर सारे सदस्य ग्राम के ही होते हैं, छोटे छोटे गांव मिलकर एक बहुत बड़ी सभा बनाते हैं जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, और उन सभी छोटे छोटे गांव से एक एक जने को मुखिया के तौर पर चुन लिया जाता है और जो पंचायत के तौर पर काम करते हैं. तो ये सारा समिति का गठन करते हैं. समिति का गठन करने के बाद ये सारे एक एक करके पार्ट बनते हैं जिला परिषद का, तो जिसे हम डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमपी भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, यहां तक कि एमएलए भी शामिल हो सकते हैं, इस परिषद का पार्ट बन सकते हैं. तो रूरल लेवल पे तो ये कुछ इस तरीके से काम करती है, और इन सब का एक कॉमन सिनेरियो ये है कि इनको 5 ईयर तक का ही टाइम मिलता है, डायरेक्ट टाइप के इलेक्शन ही इसमें देखने को मिलते हैं, यानी वो पर्सन जो 18 प्लस है इसके अंदर वोट डाल सकता है. सेम सिचुएशन हमें अर्बन गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है, जो हम नगर पालिका कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर बहुत सारे हम काउंसलर को चुनते हैं, यानी कि पार्षद को, और ये सारे जो पार्षद है वो अपना एक मुखिया चुनते हैं जिसे हम मेयर कहते हैं, हिंदी में से महापौर कहा जाता है. तो ये हमें अर्बन सेक्टर में देखने को मिलती है. कॉमन है कि दोनों को 5 ईयर का टाइम दिया जाता है. कॉमन ये भी है कि दोनों के अंदर डायरेक्ट तरीके से ही हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस हमारी एज 18 प्लस होनी चाहिए. तो ये था रूरल वर्सेस अर्बन गवर्नमेंट के बारे में. होप सो कि आपको ये दोनों ही समझ आ चुका होगा. और इसी के साथ बच्चों हमारा जो फेडरलिज्म है वो होता है कंप्लीट इस वन शॉट वीडियो में क्विक तरीके से. होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा. स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. बाकी हम मिलेंगे अपनी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे.